21st है, 8.6 का एक डाउट रहे है हमारे पास, 26 है, 21st है। कॉस्ट दे रखी है फ्यूल की फॉर रनिंग ए बस प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड जनरेटेड, मतलब जितनी स्पीड जनरेट होती है, लेट सी बी द कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड वी बी द या एस मान दो स्पीड ऑफ बस। वो कह रहा है क्वेश्चन में ही, आप पढ़ के देख लो पहली लाइन में, जो कॉस्ट है फ्यूल का वो स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब कितना कंजप्शन होगा फ्यूल, कॉस्ट ऑफ फ्यूल प्रोपोर्शनल टू द स्पीड का स्क्वायर है। जो कॉस्ट है वो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड बढ़ाओगे तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी, वो एवरेज स्पीड उसने दी होगी। इफ द कॉस्ट ₹48 पर आवर व्हेन द बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर, जब स्पीड जो है एक कंडीशन दी हुई है, एक क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, जो स्पीड है बस की वो 20 किलोमीटर पर आवर, इफ 20 किलोमीटर पर आवर देन जो कॉस्ट होगी ₹48 होगी। बताओ मोस्ट इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल उसको बोलते खर्चा कम से कम, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड बता दीजिए, मोस्ट इकोनॉमिकल। इनको मेरी कॉपियां दे दो ना, ये समझ लेना, ये नोट कर लेना, जो कर नोट के कोई अपनी कॉपी दे दो चार, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड बतानी है आपको, क्वेश्चन मार्क मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड है, कॉपी दे दो बाद में नोट करना, दो मिनट पढ़ लेंगे उतना नोट कर लेंगे, वो इस दोबारा रिवाइज हो जाएगा। मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड बतानी है आपको, फिक्स चार्जेस दे रखे हैं, फिक्स चार्जेस का मतलब समझते हो, ये क्लिक कर लेना आप लोग, फिक्स चार्जेस कितने दे रखे हैं, 108 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, किस चीज के हैं, बस के ओवर एंड अबव द रनिंग चार्जेस, ओवर एंड अबव द रनिंग चार्जेस का मतलब समझते हो कोई बच्चा, ओवर एंड अबव द रनिंग चार्जेस, ये पूरा क्वेश्चन है, टुकड़ों में एक बार पढ़ लो फिर मैं तुम्हारे को क्लियर कर दूं। ओवर एंड अबव का मतलब एक एक बात को, ओवर एंड अबव का मतलब क्या होता है, जो रनिंग चार्जेस मतलब फ्यूल का जो कॉस्ट लगना है उससे ऊपर फिक्स चार्जेस तो लगने ही लगने। एक तो ये है कि आप अपनी एक्टिवा बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, उसके में क्या लगता है फ्यूल का खर्चा, और दूसरा क्या खर्चा लगता है जब आप उसकी सर्विस कराते हो, उसकी मेंटेनेंस चार्जेस इसको कह सकते हो, आप जब उसमें कोई गाड़ी पेंचर हो जाती है उसका पेंचर लगवाते हो, तो वो सारे क्या है ओवर एंड अबव, मतलब ऊपर के खर्चे रनिंग चार्जेस को छोड़ के, ओवर एंड अबव द रनिंग चार्जेस, क्या दिया हुआ है फिक्स चार्जेस दे रखे हैं, ओवर एंड अबव द रनिंग चार्जेस, ओवर एंड अबव रनिंग चार्जेस मतलब रनिंग चार्जेस के ऊपर। तो कहता है मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड बतानी है, मतलब कम से कम पैसा खर्च हो, जैसे आपके हर एक बाइक में एक्टिवा में कम से कम पैसे लगे, हर एक ही बाइक और एक्टिवा में इकोनॉमिकल स्पीड लिखी हुई है, जहाँ पे ग्रीन सा सिग्नल होता है आपके मीटर में, स्पीडोमीटर में 40 से 50 के बीच में चलाएंगे तो इकोनॉमिकल स्पीड है, मतलब एवरेज ज़्यादा आएगी उस एक्टिवा की, ऐसी बस की भी मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड बतानी है। तो हमारे पास सॉल्यूशन शुरू कराएं तो लेट सी बी द कॉस्ट ऑफ द फ्यूल एंड वी बी द, लेट सी बी द, यहाँ से शुरू कर लेना कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड वी बीट्स, क्या मान लो वी बीट्स वेलोसिटी, अब हमारे पास कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड मिनिमम होनी चाहिए, ये कैसे, इस लाइन से मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड मतलब आप स्पीड उतनी रखो जिससे आपका खर्चा कम से कम आए, किसका, फिक्स चार्जेस का, और रनिंग चार्जेस का ऑब्वियस ही बात है एवरेज ज्यादा होगी
तो फ्यूल कम डलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट तुम्हें अगर याद हो तो क्या होती थी, याद है TFC प्लस EVC। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TFC? TFC का मतलब क्या था, टोटल फिक्स चार्जेस, और EVC का मतलब क्या था, टोटल, याद करो, याद है, कुछ फिक्स खर्चे लगते हैं इसको और कुछ क्या लगते हैं इसको, वेरिएबल चार्जेस। याद है जब एग्जांपल दिया था 8.1 में, टोटल फिक्स चार्जेस, टोटल वेरिएबल, वेरिएबल था रॉ मटेरियल का, फिक्स था रेंट का और जो भी लोन की इंस्टॉलमेंट थी, तो लगनी लगनी है। तो वही चीज़ इसमें भी है, फिक्स चार्जेस कितने लग रहे हैं, 108 रुपये लग रहे हैं, कितने किलोमीटर के, 108 रुपये लग रहे हैं पर किलोमीटर के, 1 किलोमीटर के लग रहे हैं। और वेरिएबल खर्चे, वेरिएबल खर्चे देख लेते हैं, कॉस्ट किस पर डिपेंड कर रही है, स्पीयर ऑफ स्पीड में, अब इसको फर्स्ट मान लो, बाद में सपोर्ट करा देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें रिलेशन दिया हुआ है, कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड का क्या आ गया इसके, सी इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, वी इसके, सी इज इक्वल टू क्या आ गया, के वी इसके, कॉस्ट 48 कंडीशन दी हुई है, क्या कंडीशन में दी हुई है, कंडीशन दी हुई है कॉस्ट कितनी है 48, वेलोसिटी कितनी है 20 किलोमीटर, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, सो सेकंड मान लो, तो के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू कितनी आ गई 12/5, इसमें पुट करा दो इनटू, तो कॉस्ट अब रह कितनी जाएगी आपके पास, सोचो जरा कॉस्ट कितनी आ जाएगी, सी कॉस्ट सी है इक्वल्स टू के कितना है 12/5 वाला 48 दिया हुआ ना, 12/5 कितना आ जाएगा 20 के, देखना याद है, ठीक है, हाँ हाँ कैलकुलेशन देखना याद है, ठीक है, ये दिया हुआ है, पढ़ना एक बार क्वेश्चन, चलो ये दिया हुआ है आपके पास, अब आप बताओ इस पूरे क्वेश्चन में दोबारा से पढ़ो, वो कह रहा है स्पीड ऑफ बस 20 किलोमीटर पर आवर रहते हो तो कॉस्ट 48 आती है, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड बनी है, अगर फिक्स चार्जेस कितने दे रखे हैं 108 किलोमीटर पर आवर, 108 रुपये ले देता है पर आर के, किलोमीटर तो नहीं होगा ना, नहीं सर, सॉरी सॉरी, पर आर के, इसका क्या मतलब बताओगे, कि हर एक घंटे में उसके मेंटेनेंस, एक अगर वो बस एक घंटा चलेगी तो 108 की एवरेज के हिसाब से उसको क्या देने पड़ेंगे मेंटेनेंस चार्जेस, अगर वो 2 घंटे चलेगी तब भी तो 108 रुपये देने पड़ेंगे उसको, नहीं, नहीं। जब 3 घंटे चलेगी तब भी 108 होगा, नहीं, वो क्या है 108 पर आवर, तो इसका मतलब अगर एक घंटा बस चलती है तो 108 रुपये देने पड़ेंगे, पर 2 घंटे बस चले तो 108 नहीं देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे उसको, सोचो जरा, 108 × 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 216 रुपये उसको देने पड़ेंगे, ये मतलब हुआ, आधा घंटा बस चलेगी तो ऑब्वियसली बात है उसको कितना देना पड़ेगा 108 ज़्यादा, 3 घंटे बस चलेगी तो 3 × क्या देना पड़ेगा 108, तो दिस इज द मीनिंग, 4 घंटे बस चलेगी तो 4 × तो किस पे डिपेंड करेगा, जितना वो बस चलती है, जितना वो बस चलेगी, कितना वो चलेगी तो डिपेंड करेगा, 1 घंटा कितने टाइम के लिए चलती है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। अब जो वेरिएबल हमारा खर्चा आया, जो कॉस्ट आई 12/5 इसके में के की वैल्यू निकाली, ये कितने टाइम के लिए आई, सोचो जरा, ये क्या दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर, तो अगर 1 घंटा चलेगी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो हमने उससे हमने क्या निकाली है, के की वैल्यू निकाली है, सोचो, तो ये सारा काम जो अभी तक किए, पहले तो ये समझ में आना चाहिए ये हमने 1 आवर के लिए काम किया हुआ है, सोचो, चाहे भले ही ये क्या निकाले, फिक्स खर्चा दिया हुआ 108 रुपये, ये 1 घंटे का दिया हुआ है, और ये वेरिएबल खर्चा है जो किसके लिए दिया हुआ है, सोचो जरा, 1 आवर के लिए दिया हुआ है, ये क्या आया कॉस्ट 12/5 V², ये किसके लिए, पर आवर के लिए, क्योंकि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने चलाया, तो अब हमारे पास इसको हम पुट करा देंगे वन में, तो कॉस्ट तो आएगी, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी 108 रुपये, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, सोचो 108 रुपये तो फिक्स कॉस्ट आ गई, सोचो, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, देखो फिक्स कॉस्ट दे रखी है, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी 12/5, ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट, पर ये आई कितने के लिए,
पर ये तो नहीं होगा बस सिर्फ एक घंटे के लिए चलती है, उसने पर आवर की एवरेज दे रखी है, दो घंटे चले तो तीन घंटे चली कितनी, इसका जिक्र तो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं हो, पढ़ के देख लो कि वो दो घंटे बस चली है कि एक घंटा ही चली है, वो तो एक घंटे की उसने बात कह रखी कि एक घंटा चले तो 108 रुपये खर्चा होता है, कितनी चली उसमें ये बात नहीं कह रखी। तो हम टाइम निकालेंगे, मतलब मेन चीज है जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में निकालते हैं, हमें इसमें टाइम निकालना है कितने घंटे बस चली निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लेट टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है बस वो कितना है एक्स किलोमीटर, मतलब मान लो यहां से हम बाले तक जाएं तो चार पांच अगर बसें यमुनानगर से निकलती हैं तो उनका टाइम जो वो सेम थोड़ी ना है, कोई दो घंटे लेती है, कोई एक घंटा 50 मिनट लेगी, कोई एक घंटा 30 मिनट लेगी, सोचना मेरी बात। तो टोटल डिस्टेंस हमने क्या लिख लिया, कहते हैं एक्स किलोमीटर, मतलब यहाँ से हमने कहीं पे जाना है अनोन है एक्स किलोमीटर में ले लिया। तो उसके मतलब स्पीड क्या होता है, सोचो जरा स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला हमने आज तक पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वो टाइम निकालने के लिए जिसके लिए बस चलेगी, मतलब टाइम क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है एक्स किलोमीटर, अब डिस्टेंस के ऊपर उसकी स्पीड डिपेंड, उसे टाइम डिपेंड करेगा, अपॉन उसकी क्या लगा दी वेलोसिटी स्पीड। अब ये क्या हो गया एक्स बाय वी आर, मतलब उसकी स्पीड कम नहीं होगी बढ़ेगी, उसके साथ टाइम क्या होगा कम या ज्यादा, जितना डिस्टेंस होगा उसके हिसाब से टाइम क्या होगा ऊपर नीचे। तो ये क्या लिख लिया, टाइम क्या लिख लिया एक्स बाय वी आर, इतने टाइम के लिए बस चली। अब पुट करा दी मन में, सोचना आराम से, हमारे पास कॉस्ट ऑफ फ्यूल को मिनिमम प्रूव करना था, कॉस्ट ऑफ फ्यूल हमने सी माना, वी भी द वेलोसिटी माना, कॉस्ट हमने मिनिमम प्रूव करना है, कॉस्ट होगी कितनी टोटल फिक्स कॉस्ट 108 रुपए पर आर की, और वेरिएबल कॉस्ट हमने नीचे निकाल ली थी वो 12/5 20 कराई एक घंटे की, टोटल फिक्स टोटल वेरिएबल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर, सी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, सी इक्वल्स टू क्या आ गया के वी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, से हमने कंडीशन से के अननोन निकल गया, प्रोपोर्शनल वर्ड दिया हुआ था तो हमारे पास कॉस नहीं आ गया। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस ये हमने एक्स मान लिया, यहाँ से टाइम निकाल दिया, टाइम कितना निकलता है जितना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मैंने पुट करा दिया अनुमान में, सोच लो आराम से, यहीं पे एक बार रख में देख लो, एक घंटे के कितने पैसे लगते हैं 108 रुपए, दो घंटे के 108 इंटू टू हाफ आर के 1/2 इंटू 108, तो अब बस चलाई हमने कितनी एक्स बाय वी आवर के पैसे बता सकते हो कितने लगेंगे 108 इंटू एक्स बाय, बस यही तो पुट कराने वन में, वन में क्या है कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है बताओ टोटल फिक्स कॉस्ट, फिक्स चार्जेस कितने 108 रुपए, कितने घंटे के, तो टोटल बस हमने चलाई कितनी है एक्स बाय वी, प्लस हम 108 लेके नहीं चल सकते, नहीं ये पर्टिकुलर एक घंटे की बात कर रहा है पर हमें तो उस स्पीड की बात करनी है जिस स्पीड के लिए ये सारा क्वेश्चन करा रहा है, तो वी स्पीड है, एक्स हमने टोटल डिस्टेंस मान लिया। अब हमने क्या कर लिया, टोटल वेरिएबल खर्चे सोचो कितने आए हैं 12/5, ये किसके हैं डीजल डूजल के, वी स्क्वायर इनटू एक्स बाय वी, बिकॉज ये जो वेरिएबल खर्चे ये भी एक घंटे के थे, ये भी पर आर के हैं, तो एक्स बाय वी आर के क्या होंगे एक्स बाय वी, ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई जिसकी वो बात कर रहे हैं एक्स बाय वी प्लस 12/5 वी इंटू एक्स, इसको हमें क्या प्रूव करना है, ये वो मिनिमम वाली इक्वेशन है, ये हमारा स्टेप वन बन गया। यहाँ पे कौन वेरिएबल आ गए एक्स या वी, हियर वी स्पीड इज द ओनली वेरिएबल, डिस्टेंस को हमने फिक्स रखा हुआ है। अब क्या निकाल दो डीसी बाय डी 108 एक्स 1/v का मतलब है -1/v के 12/5 सर एक मिनट, जहाँ पे वहाँ पे अपने कंडीशन लगाए सर वहाँ पे वो 20 का वो स्क्वायर नहीं होना था 48 इक्वल टू, तो बोला तो है मैंने आपको तो पिछला लास्ट ईयर थे इन्हीं का कितना आ गया 48/400
के कितना आएगा सोचो जरा। तभी मैंने बोला एक बार चेक कर लो, बताओ इतना क्वेश्चन के बाद बोले चलो कोई बात नहीं, ये कितना आएगा आपके पास 3/25 आएगा, 3/25। चलिए यहाँ पे भी कितना आएगा 3/25 करेगा, एक वो कह रहा है जेट ऑफ एनिमी दिया हुआ है, सेम है 34-6 क्वेश्चन जैसा, कहता है एक जेट है ऑफ एनिमी फ्लाइंग ओवर द फ्लाइंग अलोंग द कर्व, एक कर्व के अलोंग एक जेट मूव कर रहा है फ्लाइंग अलोंग द कर्व, कोई कर्व दे रखी है, वैसे कर्व कौन सी अपर एंड पैराबोला ये भी, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए सोल्जर, मतलब एक पर्सन जो है वो कहता है पॉइंट पे खड़ा है, वो पॉइंट दिया हुआ है 3.7 फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, कहता है इससे इस जेट का सबसे छोटा डिस्टेंस कहता बता दो, कि वो उसको शूट आउट कर दे, मतलब सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस बता दे। अगर मैं सिक्स क्वेश्चन की बात करूँ तो वो भी अपर एंड पैराबोला था, वो क्या था एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई था, पॉइंट क्या दिया हुआ था 0.C, इससे इस पैराबोला पे इस कर्व पे सबसे छोटा डिस्टेंस तुमने बताना था, सिक्स क्वेश्चन ये था, और ये भी 0.C की जगह क्या दिया हुआ है 3.7 दिया हुआ है यहाँ पे, और इस पैराबोला की जगह क्या दिया हुआ है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 दिया हुआ है, इस पैराबोला से इस पॉइंट का शॉर्टर डिस्टेंस ने पूछा हुआ है, कर्व के अलोंग उसने थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल कर दिया, एक एनिमी जेट फ्लाई करा इस कर्व के अलोंग, तो कहते हैं पॉइंट से इसका शॉर्टर डिस्टेंस बता दो, तो लेट द शॉर्टर डिस्टेंस क्या मान लो ए मान लो, यही वहां भी माना था, लेट ए एक्स वाई बी आ पॉइंट ऑन कर्व के ऊपर, सॉल्यूशन शुरू हो चुका है, सच दैट पीए को क्या मान लो मिनिमम, पहला स्टेप शुरू हो गया, बिल्कुल सेम है 0.C से था ये 3.7 से, ये किस पे था x के इक्वल टू y पे था पिछला क्वेश्चन सिक्स वाला, x के इक्वल टू किस पे था y पे था, और ये किस पे है x के इक्वल टू y माइनस 7 या y इक्वल टू x के प्लस 7 पे है, ये रहा इसकी इक्वेशन, पहला स्टेप क्या प्रूव कराओगे मैक्सिमा मिनिमम, तो वैसे ही करना है स्टेप वन है मैक्सिमा और मिनिमम, चलिए किसको लेके जाओ मैक्सिमा मिनिमम, तो कहता है जो ए पी होगा वो क्या होना चाहिए, क्या लगा लो बाय डिस्टेंस कॉम्प्लेक्स है, लगा लो एपी को भाई, एपी कितना आएगा सोच लो, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल आ गए 2, एस बी एस करा लो एपी का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर 9 माइनस 6x, या फिर सीधे ही कर लो ना एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर, हियर एक्स कमा वाई आर टू वेरिएबल, तो रिलेशन ढूंढो दो वेरिएबल, तो रिलेशन क्या आएगा सिंस पॉइंट ए लाइज करेगा कर्व पे, स्टेप टू है सेंस पॉइंट पी लाइज करेगा सेटिस्फाइज करेगा, वाई को टू क्या हो गया स्टेप 3 है पुट करा दो, 2 को किसमें बोला करा दो, तो क्या आ जाएगा एपी का स्क्वायर वाई कितना आ जाएगा वाई, इसको क्या मान लो डी, प्लस क्या आ गया एक्स को
तो यहाँ पे डी डिस्टेंस मान लिया मैंने एपी के स्केयर को, मैंने डी मान लिया, डी क्या मान लिया डिस्टेंस, एपी का स्केयर है ना, एपी का स्केयर है तो एक्स स्केयर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए स्टेप नंबर फोर है। इसको क्या मान लो इक्वेशन था, डी डी बाई डी एक्स निकाल दो, निकाल भी देता हूँ कहीं सोचो क्यूबिक के फैक्टर के दोबारा तुम्हारा आंसर आ गया फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए। अभी आपने 8.4 में मुझसे पूछ चुके हो कि क्यूबिक के फैक्टर कैसे निकालने हैं, अभी पूछा आप लोगों ने 2x माइनस 6 4x क्यूब इक्वल टू 0, x को क्या पुट करो हिट एंड ट्रायल से निकाल लो, पहले x को 1 2 3 4 2 कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x इक्वल टू 0 या 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, हिट एंड ट्रायल से इसके फैक्टर निकलते थे, अगर भूल गए हो तो अलग बात है, निकलवा ही देता हूँ फिर दोबारा आ जाएगा क्वेश्चन ही वाला तुम्हारा, इसके फैक्टर कैसे निकालने हैं, क्यूब है ये क्यूब है, हिट एंड ट्रायल लगा दो 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, हिट एंड ट्रायल लगा दो पुट करा लो x को 1 3 माइनस 3 तो x माइनस 1 से डिवाइड करा दो, माइनस 2x स्क्वायर आएगा प्लस क्या हो जाएगा 2x थ्री एक्स माइनस थ्री, तो क्या फैक्टर बन जाएंगे इसके x माइनस वन इन टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इसमें क्या लगा दो डिस्क्रिमिनेंट रूल से तो माइनस टू आ गया, बी पता ही है ए कितना है 2, बी पता है 2, सी पता है 3, तो बस आगे तो मैंने क्या क्या निकालना यहीं पे फेल हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना आएगा 3 इंच 24 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 2 प्लस आयोटा आ गया तो रिजेक्ट ही हो गया, ये तो रिजेक्ट आयोटा बन जाएगी, निकाल दी मैंने इसकी वैल्यू, आगे ट्राई लिख रहा हूँ अपने आप चेक करते रहो डबिलिटी फिर कहीं बोलो एक्स नहीं निकलवाया 36 से निकलते हैं क्यूबिक के फैक्टर 36 हिट्रेंट ट्रायल के फैक्टर क्यूबिक से निकलते हैं क्यूबिक के फैक्टर सॉरी हिट्रेंट ट्रायल से निकलते हैं 21st क्वेश्चन में दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ द फ्यूल फॉर रनिंग अ बस, एक बस को चलाने में जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल लगता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज प्रोपोर्शनल दिया हुआ है स्केयर ऑफ स्पीड, जितनी भी स्पीड होगी उसका स्केयर होगा, कहता है इफ कॉस्ट दे रखा है ₹48 पर आर का व्हेन द बस इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ, कॉस्ट दे रखा है क्वेश्चन में 48 पर आवर का when the bus is moving at the speed of 20 km per hour what is the most economical speed पूछी गई है, most economical होता है पैसा, economical speed पूछी गई है If the fixed charges दे रखे हैं आर रुपीज ओवर एंड अबव द रनिंग चार्जेस, ओवर एंड अबव द रनिंग चार्जेस
ये दिए हमें क्वेश्चन में, ये चीज को पढ़ो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो कॉस्ट होती है किसी भी फ्यूल की वो स्पीड पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉस्ट बढ़तीगी तब जब आप अपनी स्पीड को बढ़ाओगे। हर एक्टिवा, हर बाइक, हर कार, हर बस में इकोनॉमिकल स्पीड जो स्पीडोमीटर होता है उसके ऊपर बना होता है कि अगर आप 40 से 50 के बीच में चलाओगे तो आपकी इकोनॉमिकल स्पीड मिलेगी, मतलब एवरेज अच्छी मिलेगी, फ्यूल आपको कम डलवाना पड़ेगा। हर एक अगर आप स्पीड तेज करोगे तो उसमें रेड लाइट का लिखा होता है, मेरा मतलब आपका कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, एवरेज कम हो जाएगी उस गाड़ी की। तो हर एक के अंदर स्पीडोमीटर में लिखा होता है, इसका मतलब कॉस्ट किस पर डिपेंड करी, स्पीड पे। उसने कह रखते हैं, कहता है कॉस्ट 48 किलोमीटर है जब बस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। कॉस्ट 48 पर आवर है, मतलब एक घंटा अगर बस, मतलब एक घंटा लगातार बस 20 की स्पीड से चलती रहे तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, 48 वो चलेगी, ऐसा नहीं उसने कहा। अगर वो कहता है 20 किलोमीटर चलती थोड़ा ना एक ही स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, बहुत रेयर ही होता है, स्टार्टिंग में तो नहीं होता, हाँ बीच में अगर उसको कोई ट्रैफिक नहीं मिलता है, कुछ नहीं है, तो तब तो चल सकता है। अदरवाइज में कंडीशन दी है 48 पर आवर की कॉस्ट लगेगी जब 20 किलोमीटर की स्पीड से। मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड मतलब ऐसी स्पीड आप रखो जब आपका खर्चा कम से कम है। इफ द फिक्स चार्जेस आर 108 रुपीज 100 पर आवर, एक घंटे के फिक्स चार्जेस दे रखे 108। ये फिक्स चार्जेस कौन से हैं, जैसे आप अपनी एक्टिवा की सर्विस कराते हो तो मेंटेनेंस चार्जेस वो हर 2 महीने 3 महीने बाद, या बाइक की या कार की कराते हो तो उसमें कॉस्ट फ्यूल तो नहीं लग रहा, उसमें लेबर लग रही है, कोई पार्ट बदला जा रहा है, आपका ऑयल उसका सही एक्टिवा या उसका ऑयल बदला जा रहा है, तो उसके चार्जेस तो लगते ही हैं। ऐसे बस का भी लगेगा, पंचर हो जाए उसमें तेल ने थोड़ा लगना है, उसने कोई स्पीड का काम किया उसमें, उसमें क्या होगा, फ्यूल का क्या काम है उसमें, या पंचर हो गया तो उसको 500 रुपया 300 रुपया 200 रुपये का लगवाना पड़ेगा, तो फिक्स चार्जेस तो नहीं है। ओवर एंड अबव, ओवर मतलब उसे ऊपर, अब मतलब उससे ऊपर, ओवर एंड अबव द रनिंग चार्जेस, रनिंग मतलब जितना बस सड़क पर चल रही है उसके अलावा 108 रुपये उसके पर घंटे खर्चा है ही है, खड़ी खड़ी का है, वही कहना चाह रहे। अगर एक बस एक अपने डिपो में खड़ी रहे, अपने घर में भी खड़ी रहे, तो 108 रुपये उसको पे करना ही पड़ेगा, किसके लिए, फिक्स चार्जेस के लिए, ओवर एंड अबव द रनिंग, रनिंग मतलब चलने के अलावा, चलेगी तो खर्चा है ही है, ना चले तो भी उसको खर्चा देना पड़ेगा। तो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड बताओ, तो सॉल्यूशन शुरू कर लो, लेट सी कॉमा वी बी द कॉस्ट ऑफ द फ्यूल एंड स्पीड ऑफ वेलोसिटी, की मैंने स्पीड लिख दिया, इसमें बोला स्पीड तो स्पीड लिख दूंगा, ऑफ बस रिस्पेक्टिवली। सबसे पहला स्टेप है मैक्सिमा और क्या चाहिए, मैक्सिमम सोचो, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, इकोनॉमिकल समझते हो तो उसका पैसा क्या है, तो कॉस्ट क्या चाहिए सोचो, कॉस्ट है कौन कौन सी, इसमें कौन कौन सा खर्चा आ रहा है सोचो आराम से। एक तो किस चीज का खर्चा आ रहा था, फ्यूल का, मतलब बस जब चलेगी तो उसको डीजल का खर्चा देना पड़ेगा। दूसरा खर्चा क्या उसका, फिक्स का, इसका मतलब कॉस्ट याद है क्या होती थी, TFC याद है किसी को, प्लस TVC 8.1 में जो करा हमने, TFC का मतलब याद है, टोटल फिक्स्ड चार्जेस, और TVC का मतलब क्या होता था, टोटल वेरिएबल, 8.1 में जो पढ़ा था भूल गए होंगे क्या इतनी जल्दी, वेरिएबल चार्जेस, जैसे कंपनी हीरो होंडा बाइक की थी, उसके क्या थे, रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह लाते हैं तो उसके क्या होंगे, वेरिएबल खर्चे, कुछ फिक्स खर्चे भी होंगे। कैसे होंगे कुछ फिक्स खर्चे, जैसे वो क्या करेगा, रेंट देता है शोरूम का, बैंक की इंस्टॉलमेंट देता है, वो तो उसकी जानी जानी थी, ऐसे ही था, इसको क्या मान लिया फर्स्ट, ये हमारे पास क्या आ गया, रोक दिया यहाँ पे, कॉस्ट दे रखी है, हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखी है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल proportional to क्या होगा, speed का square, c is proportional to क्या हो गया, v square, c क्या आएगा बताओगे, k v square, condition दी हुई है, हाँ condition दी हुई है, पढ़ लो condition, कितनी cost कह रहा है वो, 48 rupees, किसकी, पर आर की,
स्पीड कितनी क्या है 20 की 48 इक्वल टू के इन टू 400 तो किस पे कट जाएगा 6 पे सोचो जरा 414 कितना आ जाएगा 100 16 पे कट जाएगा मेरे ख्याल से सीधे ही बस 3/25 को टू क्या आ गया पुट करा दो इसमें पुट करा दें टू में तो कॉस कितनी आ गई बताओगे 3/25 20 के यानी कॉस्ट ये कॉस किसकी आ गई बताओ जरा फ्यूल की क्यों वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है कितनी आ गई 3/25 20 के अब बस को क्या कह रखा अगर ध्यान से पढ़ो तो 108 पे खर्चा कह रहे हैं घंटे का इसका मतलब क्या हुआ रफ में सोचो क्या मतलब एक घंटा अगर बस चलती है तो 108 पे खर्चा आता है अगर दो घंटे बाई चांस बस चले इफ द फिक्स चार्जेस आर 100 पर आवर एक घंटे के क्या 108 पे दो घंटे के भी 108 रहेंगे सोचना जरा नहीं दो घंटे कितने हो जाएंगे 108 इंटू 2 216 रुपए लगने ही लगने उसके पर आवर के उसके फिक्स चार्जेस इसका मतलब जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा खर्चा बढ़ता जाएगा तीन घंटे कितने लगेंगे 108 इंटू 3 पर पूरे क्वेश्चन में पढ़ लो आराम से कहीं मेंशन ही कितना टाइम बस चली है दो घंटे के लिए चली है एक घंटे के लिए चली है आधे घंटे के लिए चली है तो उसने एवरेज स्पीड एवरेज चार्जेस बता रखे हैं वो क्या कह रहा है इफ अगर द फिक्स चार्जेस कितने दे रखे हैं फिक्स चार्ज कितने 108 रुपए पर घंटे के लिए पर पूरे क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है पढ़ के देख लो कि बस चली कितने देर है एक घंटा चली दो घंटे तो हम वो टाइम निकालेंगे एक घंटे कितने रुपए रखूंगा 108 रुपए मतलब एक घंटे के रखने होते तो मैं कहते था 108 रुपए और यही एक घंटे के 48 रुपए थी कॉस्ट जब 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी तो क्या रखता वेरिएबल खर्चों में 3/25 20 के ऐसे रखता पर ये रखता किसके पर आर के पर क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन कि कितने घंटे के था बस चलती है तो हमने क्या मान लिया हमने स्पीड वो सही टाइम हमने निकालना पड़ेगा हमें कितने टाइम के लिए बस चलती है कैसे निकालना वो देख लो ये आ गया उसका वेरिएबल खर्चे कॉस्ट क्या वेरिएबल है वेलोसिटी पे डिपेंड करती है ये कॉस्ट क्या है फिक्स्ड है जो उसके क्या है ओवर एंड अबव रनिंग चार्जेस हैं पर है किसके एक घंटे के लिए तो हमने अब टाइम निकालना है लेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है बाय बस हम टाइम निकालेंगे देखो कैसे ये देखो स्पीड क्या होता है सोचो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस पे तय करता है तो देयरफॉर टाइम क्या होता है सोच लो डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस कितना है स्पीड कितनी है तो टाइम कितना आएगा बताओ एक्स बाय वी का मतलब क्या होगा वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा मान लो आपने अंबाला जाना है यहां से यमुनानगर से आप कहीं पे जाना है 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे जाना है अब एक बस स्टैंड से बसें कहते हैं 4-5 जा रही हैं तो उनकी सबकी स्पीड जो होगी वो सेम थोड़ी ना होगी किसी को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस तो वही है सोचना किसी को 1 घंटा 30 मिनट लगते हैं मान लो 50 किलोमीटर डिस्टेंस कम है किसी को 1 घंटा 32 मिनट लगेंगे किसी को 1 घंटे 25 मिनट में पहुंच जाएगी कोई 1 घंटा 40 मिनट लेगी ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करेगा ट्रैफिक मतलब स्पीड ऊपर ऊपर नीचे होगी डिस्टेंस तो उसका वही ना यहाँ से कहाँ पहुंचना है तो फर्क किसको पड़ा टाइम को टाइम ऊपर नीचे क्यों हुआ क्योंकि स्पीड ऊपर नीचे हुई है ट्रैफिक मिल जाएगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा ट्रैफिक नहीं मिला कम टाइम में पहुंच गई थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक मिला तो उसको इतना टाइम लगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया वो टाइम जिसके लिए वो बस चली है तो आप पुट करा दो किसके में वन में कैसे पुट कराएंगे कि उसकी कॉस्ट निकलेंगे जो न्यूमेरिकल में करते हो फिजिक्स के पुट करा दें वन में तो कॉस्ट कितनी होगी फिक्स कॉस्ट फिक्स आ जाता हो कितना है 108 में कितने घंटे के 1 घंटे के लिए टाइम कितना हो गया इनटू एक्स बाय वी वेरिएबल खर्चे कितने हो गए बताओगे 3/25 कितने टाइम के लिए बताओ एक्स बाय 3/25 वी स्क्वायर एक घंटे के लिए तो एक्स बाय वी के लिए क्या होगा ये एक्स बाय वी क्या है कितना टोटल टाइम उसने कवर किया इसीलिए उसके साथ क्या लगा दिया हमने एक्स बाय वी और उसके साथ भी क्या लगा दिया एक घंटे की बजाय ये वो आर ले लिए जितनी देर तक बस चली तो
तो कितना आ गया c इक्वल टू 108 x by v 3 by 25 v से v कट गया x v here v is the only variable करा लो बस डिफरेंशिएट करा दो स्टेप नंबर 4 लग जाएगा डिफरेंशिएट करा दो v से 2v से करा लो तो कितना आ जाएगा v से 2 जब v से कराओगे तो डिफरेंशिएट dc y and dv कितना आएगा 3 by 25 x d by dv of v कितना आ जाएगा 100x minus 1 by v square 3 by 25 x फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या कराओगे बताओ dc by dv छोड़ के क्या एक्सरसाइज है dc by dv को टू 0 करा लो कितना आ गया 108x by v square इक्वल टू 0 इसको इधर ले जाओ v square कितना आ गया 108 तो v square आ गया 900 v कितना आ गया 30 वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो इसका मतलब ये क्या आ गया आपका वेलोसिटी आ गई अब c by dv इसके निकाल लो इसको इधर ले जाओ ना d to c by dv इसके निकाल लो c v को कितना पढ़ रहा दो 30 पॉजिटिव आएगा तो क्या आएगा मिनिमम देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड रही थी वेलोसिटी कितनी होगी बताओ वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो मोस्ट इकोनॉमिकल बनेगी मतलब जो उसकी एवरेज डीजल की है जो कम से कम लगेगा तब जब वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी ये मतलब है डिस्टेंस को हमने क्या रखा है